गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों आज बहुत जल्दी तैयार हो गए हैं, अभी टाइम हुआ है 7:20 और हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रखी है, रेडी हैं बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो रखे हैं और थीम तो ये है कि आज बीकानेर पहुँचे, उसके बाद देखते हैं अगर टाइम से पहुँच गए तो फिर बीकानेर स्टे करेंगे, बीकानेर से आगे निकल जाएंगे घर के लिए, और अगर लेट हुए रास्ते में जाम वगैरह कुछ दिक्कत आई तो फिर बीकानेर स्टे कर लेंगे। वैसे तैयार हो चुके हैं, इस ट्रिप में पहली बार इतनी जल्दी रूम से विदा हो रहे हैं इतनी जल्दी, और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होगी जैसलमेर ट्रिप की, क्योंकि तबीयत का थोड़ा सा इशू हो गया था बीच में, और वैसे ऐसी और ट्रिप करते रहेंगे, फिर से दोबारा आएंगे जैसलमेर घूमने के लिए, जब और जो बाकी जगह है जो बाइक से आने का प्लान कर रहे हैं अभी, देखते हैं जो भी रहेगा आपको पता चल ही जाएगा वीडियो में, तो आप बने रहे हमारे साथ। बाकी मैं एक बार बाहर का दिखाता हूँ आपको, इतना वो हुआ नहीं है, अंधेरा ही है अभी, बाहर की आवाज को साउंड को थोड़ा इग्नोर ही करना। ये देखिए अभी सूर्य देवता निकले भी नहीं है, और मोस्ट जल्दी निकलने का यही रीज़न है कि एक तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो जल्दी से हम निकल लेंगे। ये लास्ट टाइम आप हमारी वीडियो में जैसलमेर का एक क्लिप देख लो, फोर्ट में शाम को गए थे वो आपको देखने को मिल ही गया होगा, फोर्ट में ऐसा कुछ है नहीं है बाकी देखने के लिए, लिविंग फोर्ट है ये। प्रीतम प्रीतम भी रेडी है बिल्कुल, चलते हैं भाई आज घर, देखते हैं बीकानेर रुकते हैं या नहीं रुकते, बाकी प्लान है सीधा घर पे जाने का, बीकानेर नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे बाइक से। ओके गाइस चलो करते हैं एक बार कोल्ड स्टार्ट करते हैं कार को भी, यहाँ वैसे सर्दी तो है नहीं, कोल्ड स्टार्ट कितनी जरूरत तो है नहीं, बाकी करते हैं एक बार उसके बाद मिलता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके। एक बार यहाँ इनका पेमेंट वगैरह है होटल वालों की, जो खाने वाने का था वो करते हैं और उसके बाद मिलता हूँ आपको गाड़ी में। सीट बेल्ट डाल ले, तो गाइस निकल चुके हैं होटल से और ये जैसलमेर सिटी, होटल सर्विस बहुत अच्छी थी, होटल का नाम है होटल गिरनार। अब ये चौक का ये तो एड्रेस मुझे पता नहीं है, अगर इनका कार्ड लिया था, अगर वो मिलेगा ना तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डालूंगा आपको, फोटो खींच के वो डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस थी भाई, और मतलब जैसे कुछ भी सामान वगैरह जो बोलते थे रूम में वो देख के जाने में, मतलब जो फास्ट था ना इनके काम में, मतलब कि जो भी बोलते थे खाने के लिए बोल दिया तो मात्र 10 से 15 मिनट में खाना, चाय कॉफी सब कुछ, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी खाने की उस चीज की ना, खाना भी हाँ। चाय भी कॉफी भी उस क्वालिटी हाँ। क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। शाम को हमने मलाई कोफ्ता और नॉर्मल बटर रोटी सलाद वगैरह ऑर्डर करी थी, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 मिनट में उन्होंने तैयार करके दे दिया था, दे दिया था। हमसे जैसे आई ट्रिप में हर जो ट्रिप होगी ना उसमें कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा, इस ट्रिप में जो तबीयत का खराब होने का मेन कारण है वो हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी सर्दी को लेके। ठीक है, हम ये सोच कर रहे थे पहले दिन जब आए ना, क्या है ना कि भाई उधर जो हरियाणा है उस साइड, तो हरियाणा साइड में क्या है ना, हरियाणा साइड के में सर्दी ज्यादा होने लग गई थी भाई, लगभग 10-15 दिन पहले सर्दी, मतलब कि अपनी जो जैकेट वगैरह है वो पहनने लग गए थे, और इधर हम आए तब यहाँ पे कोई जैकेट वगैरह कोई कुछ नहीं पहन रहा था, तो हमने सोच लिया कि कुछ सर्दी तो है नहीं, हम भी घूम लेते हैं, तो वही सेध गई। और कुछ क्या है कि घूम के आते थे, पैदल पैदल देख के आते थे, एक्सप्लोर करके आते थे, और गाड़ी के अंदर आते ही गर्मी लगने लग जाती थी क्योंकि गाड़ी धूप में खड़ी रहती थी, तो उसके शीशे उतार के और फिर चलते थे तो वो एकदम से ठंडी हवा लगती थी, फिर तो उससे भी हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे क्या है कि जितनी ट्रिप करेंगे ना उनमें हर एक में पता चलता रहेगा कि भाई अब कैसे क्या करना है। फर्स्ट डे तो हमने पंखा 2 नंबर पे पंखा चला के फिर सोए थे, मतलब यहाँ पे इतना भी फील नहीं था कि यहाँ सर्दी है, क्या बढ़ती है क्या जी, युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो रखी है, लगता है भर्ती है यहाँ पे, बीएसएफ का कैंप है,
तो हम क्या बता रहा था मैं, हाँ सर्दी लापरवाही वाली, तो उससे तबीयत होगी खराब। सेकंड डे हमने जो तनोट माता वाला और वो किया था ना, वहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे वीडियो शूट करने के लिए हमें सारे शीशे वगैरह क्लोज करने पड़ते हैं क्योंकि बाहर की नॉइस कुछ कम हो जाए, और जैसे चले फिर हमने शीशे डाउन किए क्योंकि पसीने आ रहे थे, और वो आवाज़ जो लगती है ना उससे दिक्कत हुई है, सर्दी हो गई शरीर में। कल टैबलेट ली, डॉक्टर से कंसल्ट करके टैबलेट ली ना, उसके बाद में रात ठीक था, आज अच्छा था। होटल सर्विस भी अच्छी थी और वैसे भी कोजी था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और होटल सर्विस का ऐसा है, हमने उनसे बोला कि भाई हम एक रजाई ले लेते हैं, हमारे हम लेके आए हैं, हम रजाई ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 सर आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, हम आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और उपलब्ध करवा देते हैं। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी दे दिया हमें, मतलब सर्विस के मामले में 10 out of 10 देते भाई, बिल्कुल खाने में सर्विस में 10 out of 10 है। इस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आए तो बिल्कुल आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उनका कार्ड होगा या नंबर होगा वो हम वीडियो में डाल देंगे भाई, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उनका नंबर वगैरह, तो आप जाओ तब वहाँ पे रुक सकते हो, अच्छी सर्विस है भाई उनकी। तो ये बताने के लिए वापस से वीडियो ऑन किया है कि ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया नहीं है, वो रस्ते में कहीं अच्छी सी जगह दिखेगी ना वहाँ पे रोक के फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, दिखाएंगे आपको। अब सिर्फ एक चाय पी है और जल्दी निकल लिए ना आज ट्रिप में, मेरे हिसाब से आज सबसे पहले आज निकले, फर्स्ट डे है जिसमें चले सूर्य देवता से पहले निकले, 9 बजे चल रहे थे आज तो, लेकिन 7 बजे पहले चल दिए थे भाई। हाँ अभी 7:48 हुए हैं, 7:48 हुए हैं, तो इससे अब देख लो हम लगभग 5-7 किलोमीटर क्रॉस करके भी आ चुके हैं, तो कहीं ब्रेकफास्ट के लिए अच्छी सी जगह मिलेगी 11 बजे तक या 10 बजे तक, तो वहाँ रोक के अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए सूर्य देवता आ चुके हैं, और आते टाइम नहीं दिखा पाए थे, यहाँ जयपुर एंट्री करोगे तब यहाँ पे आएगा, सवर्ण नगरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, ठीक है। और ये प्रीतम जी विंडशील्ड को साफ करते हुए आया हूँ, दिन में करे थो आज मेरी जेब में है कि आई होप अब आपको सही दिख रहा होगा थोड़ा सा साफ कर दिया इसको। ओए मेरी माँ सर्दी लग रही है मेरे भाई, करते हैं अप्रोच आगे, रोड बड़े अच्छे हैं। वही बात आप फिर बोर हो जाओगे, फर्स्ट डे में जितना हुआ था कि भाई रोड बहुत अच्छे हैं, रोड बहुत अच्छे, बार बार सुनने को मिलेगा, और राजस्थान में आप कहीं भी जाओगे ना ये चीजें आपको सुनने को मिलेगी। तो अभी जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर आ चुके हैं, और रास्ते में ये एक ढाबा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये इंडियन एंड रेस्टोरेंट, इंडिया खाना छोड़ के इंडियन का खाना, यहाँ पे पराठे वगैरह ऑर्डर किए हैं मैंने, पनीर पराठा प्लस चाय, और प्रीतम ने वही दही, अपना दही है भाई, देसी खाना, दूध दही का खाना, हमारा देश हरियाणा। ये कुछ लोकेशन है इस रोड पे, इस पे जो चल रहे थे हम नेशनल हाईवे नंबर 11, और फसल वगैरह इस साइड तो है, पानी काफ़ी, नोजल वगैरह लगे हुए हैं, सरसों भी है, गेहूं भी है, काफ़ी हैं। बाकी एक बार पराठा आ जाता है फिर देख के बताते हैं आपको कैसी क्वालिटी कैसी नहीं है, और मिलते हैं फिर सफ़र पे। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, ब्रेकफास्ट अच्छा था,
क्वांटिटी थोड़ी कम थी, बाकी क्वालिटी के हिसाब से अच्छा था। और बीकानेर अभी बचा है यहाँ से 163 किलोमीटर आगे बोर्डर है, 163। अब बीकानेर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वो करणी माता मंदिर जाने का बनेगा कि नहीं बनेगा। और रास्ते में कुछ दिखाने लायक है नहीं, रास्ते का तो आपको पता ही है, सीधे सीधे रोड है, सारे राजस्थान के रोड अच्छे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, तबीयत आज कल की तुलना में बहुत बेहतर है। परसों तो रात जो निकली थी वो मेरे को ही पता है कैसी थी। बाकी कुछ नया मिलेगा रास्ते में दिखाने लायक होगा तो आपको रोक के ज़रूर दिखाएंगे। ब्रेकफास्ट का आपने देख लिया था, ब्रेकफास्ट की फ़ोटो वगैरह क्लिक की नहीं हमने। पनीर पराठा और दही प्रीतम जी ने किया है, और भाई मैंने दही लिया नहीं आज क्योंकि सर्दी लगी हुई है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ये बोर्ड समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे 163 था, यहाँ पे 165 है, आगे 165 है, मतलब पीछे 163 का बोर्ड गया है, उसके बाद में 165 का बोर्ड आया, और वो भी दो दो बोर्ड आए। नहीं तो बने रहिए आप हमारे साथ।